नियमों को ठेंगा दिखाकर शहर के बीचों बीच मलबा डालने वाले ठेकेदार पर नगर निगम ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के द्वारा गोल बाजार के आसपास विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। ठेका कंपनी भाषा एसोसिएट के जिम्मेदारों ने गोल बाजार से निकला मलबा उकरी इलाके में सड़क किनारे डंप करा दिया, जिससे हादसों की संभावनाओं को देखते हुए नगर निगम ने इसे ठेकेदार की मनमानी मानते हुए उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। नगर निगम के अधिकारियों से ठेकेदारों की यारी कोई नई बात नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए ठेकेदारों के द्वारा अक्सर मनमानी की जाती है। ऐसा ही किया है गोल बाजार के आसपास विकास कार्य कराने वाली ठेका कंपनी भाषा एसोसिएट के जिम्मेदारों ने। दरअसल स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा करोड़ों की लागत से शहीद स्मारक के चारों तरफ विकास के अनेक कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार ने इस इलाके से निकला कई डंपर मलवा उखरी में सड़क किनारे ही डंप करा दिया, जिससे कई हादसे हो चुके हैं और भविष्य में भी दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई थी। नगर निगम प्रशासन को इसकी जैसे ही खबर मिली तो स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके का मुआयना किया और इसकी जानकारी नगर निगम के आयुक्त को दी, जिसके बाद निगम प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ठेका कंपनी भाषा एसोसिएट के संचालक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। मैं अपने शहीद स्मारक गोल बाजार में जो है वहाँ के विकास कार्य का काम जो है तो भाषा एसोसिएट द्वारा किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने नाली निर्माण वगैरह के लिए उन्होंने मिट्टी खोदी थी और वो मिट्टी काफी दिनों से वहीं पड़ी थी और परसों कमिश्नर साहब ने जो है उनको वहाँ से मिट्टी हटाने के लिए निर्देश दिए, तो उन्होंने परसों रात में जो है वो मिट्टी वहाँ से उठा के जो है वहाँ MR4 में जो है बिल्कुल रोड से लगा के जो है रात में डंपर उन्होंने गिराया, क्योंकि डंपर ही उनको लगा होगा कि डंपर अंदर जाए तो फंस न जाए, तो उन्होंने रोड पर ही गिरा दिया। और इसलिए हुई कि वहाँ जो है तो कुछ 2-3 ट्राली मलबा तो बीच डामर रोड में पड़ा हुआ था उसका कीचड़, और सवेरे सवेरे जो है तो एक दो एक्सीडेंट भी हो गए वहाँ पर। हम लोग पहुँचे जब देखा उसका जो CCTV फुटेज वगैरह देखा तो उनके यहाँ की गाड़ियाँ थी, तो उसको लेकर जो है फिर हमने उसमें जुर्माना लगाया।